व्हाट्स कुकिंग गाइस। तो यार आज मैं आया हूँ संजय वन, और जिन लोगों को पता नहीं है संजय वन क्या है, तो यार एक हॉन्टेड एरिया है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक हॉन्टेड एरिया में आज मैं आपको क्यों लेके आया हूँ। तो यार रात में एरिया ज़रूर हॉन्टेड होगा, पर दिन में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस खाना खाने के लिए। यहाँ पे जो मेरे साइड में रोड है, यहाँ पे एटलीस्ट 5-6 ढाबा हैं लाइन से, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दे सर्व वेरी गुड फूड। एंड दीज ढाबाज आर नोन फॉर देयर पराठाज, बट मैं जब भी आता हूँ मैं इनके पराठे और चिली पटेटो तो ज़रूर खा के जाता हूँ। एंड गाइज मेरी एडवाइस पे, अगर आप नॉन वेज लवर है तो यहाँ पे आके चिकन पराठा ज़रूर खाना। तो आज मैं आया हूँ शाज ढाबे पे। आउट ऑफ ऑल दीज ढाबाज मेरा फेवरेट शाह ढाबा है। तो यहाँ आने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी आज क्योंकि ट्यूसडे है तो इसलिए मैं चिकन पराठा नहीं खा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आलू प्याज का पराठा ऑर्डर किया और साथ में चिली पटेटो अपने फेवरेट जो हैं वो ऑर्डर किए हैं। अगर आप यहाँ आते हो तो ढाबों के साइड में सीटिंग एरिया है, यहाँ पे चेयर्स और टेबल लगी हुई हैं, बट क्योंकि मैं आफ्टरनून के समय में आया हूँ और यहाँ पे एक कॉलेज है बाय द नेम ऑफ IIFT, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी बाहर, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई वॉन्ट सम इंटीमेट टाइम विद माई फूड, तो इसलिए मैं अकेले में शूट करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने अपने फेवरेट चिली पटेटो और आलू प्याज का पराठा ऑर्डर कर दिया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ खाने का, खाना आके आपको टेस्ट करके बताऊँगा। ऑलराइट गाइस, तो खाना मेरा आ गया है। ये रहा मेरा आलू प्याज का पराठा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और भाई ये यहाँ का रिचुअल है, ये लोग ऐसे प्लास्टिक के फोक पे बटर देते हैं, इसको आपको अच्छे से लगाना होता है, एंड फिर अपने पराठे को इंजॉय करो। तो यार मैं आपको दिखाऊं पराठे की थिकनेस, ये देखो एकदम मोटा ताज़ा पराठा है, 45 रुपीज़ का मिलता है। यार यहाँ का ढाबा फूड इज़ लिटरली वेरी गुड। यहाँ पे सिर्फ आपको पराठे और स्नैक्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको मेन कोर्स, आपको जो भी खाना हो इनके मेन्यू में होता है, ऑमलेट से लेके चिकन तक, मोमोज वगैरह, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन देयर मेन्यू। तो यार मैं अपना पराठा इंजॉय करता हूँ अब। ऑल दो इसका टेस्ट मुझे पता है, मैं पिछले 5-6 साल से आ रहा हूँ, और कॉलेज गोअर्स के लिए जगह एप्ट है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली जगह है, इसलिए यहाँ मैं बहुत ज़्यादा आता हूँ। एज यूजुअल टेस्ट इज़ वेरी कंसिस्टेंट, वही टेस्ट है जो हमेशा से आता है इसमें। आई लव पराठा फ्रॉम हेयर। मैंने आउटलेट्स के पराठे ट्राई किए हैं, मैंने पराठे वाली गली के पराठे ट्राई करे हैं, पर यहाँ के पराठे मुझे हमेशा पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप पराठा ऑर्डर करो तो आपको साथ में बटर बोलना पड़ता है, 5 रुपये का बटर होता है, और ये पराठा आलू प्याज का 45 रुपीज़ का है। तो यार बटर ज़रूर लेना, बटर के साथ ही मज़ा आता है। सर्दियों में गर्म पराठा और ये फिसलता हुआ बटर मिल जाए, क्या बात है यार, वाओ। और एक और रीज़न है यार यहाँ मेरे को अच्छा लगता है आना, क्योंकि यार यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, साइड में सारी ग्रीनरी है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। अब आपको चिली पटेटो ट्राई करके बताता हूँ। ये रहे हमारे गर्मा गर्म चिली पटेटोज, लुक एट देम। अगर आप मुझसे पूछोगे आपका फेवरेट फूड क्या है, तो यार मेरा फेवरेट फूड हनी चिली पटेटो है, और यार यहाँ के चिली पटेटो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। साथ में वेजीज भी डालते हैं, ये अनियंस एंड कैप्सिकम भी हैं। और यार अगर मैं चिली पटेटो की बात करूँ तो यार चिली पटेटो आर वेरी क्रिस्प, और फ्लेवर्स बहुत अच्छे से वेल बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल तीखे नहीं हैं, टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है इनको खा के, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक प्लेट 100 रुपीज़ की है। आप लोग अपना मुझे फेवरेट फूड कमेंट्स में बताओ, और उसके साथ में लोकेशन भी बताना, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं वहाँ जाके उसे ज़रूर रिव्यू करूँगा। और इनके मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं सारी चीज़ों को रिव्यू करूं और आपको अंदर बनते हुए भी दिखाऊं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताना, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम कि यहाँ आके मैं सब कुछ शूट करूं। अभी मैं अपने चिली पटेटो इन्जॉय करता हूं, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। खाना मैंने खा लिया एज यूजुअल, खाना बहुत अच्छा था। अब यार आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो, आप लोग रेस्टोरेंट रिव्यू देखना चाहते हो, या आप लोग चैलेंज वीडियोस देखना चाहते हो, या आप लोग स्ट्रीट फूड वीडियोस देखना चाहते हो। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हम इंस्टाग्राम से आप लोगों से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन हैप्पी ईटिंग। तो मैं यहाँ जब भी आता हूँ यहाँ के पराठे और चिली पटेटो तो खा के जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बता दिया था ट्यूसडे है तो इसलिए मैं चिकन पराठा नहीं खा पाऊँगा, तो इसलिए आज मैंने आलू का प्याज का पराठा ऑर्डर किया।